Students, I am here with a very humorous, interesting, and funny poem from CBC class 10 from the book First Flight, chapter 3. This poem is written by an American writer, Carolyn Wells. She is no more now, but she has written a very humorous poem. And top this humorous poem suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. मतलब ये पॉइम जो आपको एक ह्यूमरस पॉइम है इसको पढ़ने से आपको एक तरह से हंसी आएगी uh, मज़ाकिया एक सेंस आएगा और इसमें बड़ा डेंजरस वे बताया गया जंगली जानवरों को पहचानने का रीड इट अलाउड कीपिंग टू अ अट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद दिस पॉइम दिस पॉइम हैज़ फाइव स्टेंजर्स एंड स्टेंजर्स हैज सिक्स लाइन्स और हम लोगों को पता है कि सिक्स लाइंस का एक स्टेंजा होता है इसको हम लोग सस्टेट बोलते हैं एस ई एस टी ई टी से बोलते हैं क्या बोलते हैं एस ई एस टी टी से बोलते हैं सिक्स लाइंस स्टेंजा इज कॉल्ड से ठीक है तो हम यहाँ देखेंगे एक बड़ा ही डेंजरस तरीका बड़ा ही ख़तरनाक तरीका है एनिमल्स को वाइल्ड एनिमल्स को पहचानने का तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट इन इज इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर्स डू यू एडवांस अ लार्ज एंड टोनी बिस्ट इफ यू रोर्स एट यू एज यू आर ड्राइंग यू नो इट इज़ द एशियन लाइन तो इसमें क्या कहा गया इफ़ यू इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट अगर आप संजोग से मान लीजिए अगर जंगल में चले गए जो ईस्ट की तरफ है पूर्व की दिशा में है और वहाँ आपको एक ऐसा बड़ा जानवर मिलता है जिसके बॉडी पर योलोस कलर बॉडी हो टॉनी मीन्स होता है येलोबिस ब्राउन येलोबिस ब्राउन जानवर हो इफ़ ही रोर्स अगर वो आप पे रोर करता है यानी गुर्राता है और अगर आप उसके घुराने से मर जाते हैं यू विल नो इट इज़ द एशियन लाइन तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है एशियन लाइन है मतलब समझ जाइए <laughs> मरने के बाद जो है यानी उसके गुराने से ही आप जो है मर जाएंगे तो so, आप समझ जाइए ये क्या है एशियन लाइन है सेकेंड स्टेंजर में हम लोग चलते हैं और इफ़ सम टाइम व्हेन यू व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बिज ग्रेट सीव विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन अ येलो ग्राउंड Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. यह discern का मतलब है recognize पहचानना. और इसमें क्या आ गया if sometime when roaming round. अगर मान लीजिए कहीं आप घूम रहे हैं. और एक नोबल मतलब बड़ा ही पोलाइट जंगली जानवर आपको greet करता है स्वागत करता है. और उसके बॉडी पर ब्लैक स्ट्रिप्स है येलो बॉडी पर ब्लैक स्ट्रिप्स है. जस्ट नोटिस इफ़ इट्स जैसे ही आप उसको देखते हैं अगर आपको तुरंत खा जाता है बेंगोल टाइगर इस तरह से आप बेंगोल टाइगर को पहचान सकते हैं उसके बॉडी बॉडी पर स्ट्रिप्स होगा ये लोविडी पर ब्लैक स्ट्रिप्स होगा और जैसे ही वो आपको देखेगा और आपको खा जाएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये जो है एक बेंगोल टाइगर था थर्ड स्टेंजा में हम लोग चलते हैं थर्ड स्टेंजा इफ़ स्टलिंग फोर्थ आ बिस्ट योर व्यू हुज़ हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड लेफर्ड विल डू नो गुड टू रोल विद पेन ओनली येफ्ट एंड लेफ्ट अगेन इसमें क्या आपको कहा गया इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ स्ट्रोलिंग मतलब होता है ऐसे ही अगर आप कहीं घूम रहे हैं ठीक है तो अब बिस्ट यू व्यू अगर आप एक जानवर को देखते हैं हाइड पेपर पेपर इट होता है आ, एक धब्बेदार जो स्पॉट है वो होगा ठीक है अगर उसके बॉडी पर बहुत सारा धब्बेदार नुमा कोई स्ट्रक्चर है ठीक है जैसे ही आप के ऊपर वो छलांग लगाता है लिप करता है वैसे ही जो है आपको वो खा जाएगा तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है एक लैप एक तेंदुआ है विल डू नो गुड टू रोर विद पेन वो आपके दर्द को नहीं पहचानेगा आप चिल्लाते रहिए आह करते रहिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वो बार बार जो है जंप करेगा और आपको खा जाएगा तो इससे आप समझ जाइएगा कि ये क्या है एक लैप है थर्ड स्टैंड जब हम लोग चलते हैं इफ़ when you are walking around your yard you meet a creature there who hugs you very very hard be sure it is a bear if you have any doubts i guess he'll give you just one more caress isme kya gaya hai kya kaha gaya hai isme kaha gaya hai ki agar aap apne bagiche mein yard mein ghum rahe hain और वहाँ अगर आपको एक ऐसा जानवर दिखता है जो आपको बहुत ही tightly जो है हक करता है गले लगाता है तो समझ जाइए कि ये जो है बियर है और अगर आपको इसमें किसी तरह का अगर डाउट डाउट है तो वो आपको बहुत ही टाइटली लविंगली जो है हक करेगा और हक करके आपको इतना हक टाइटली हक करेगा जिससे जो है आप मर भी सकते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है ये बियर है बहुत ही फ़नी तरीक़ा है और बहुत ही डेंजरस तरीका है आप <laughs> मरने के बाद आपको पता चलेगा कि ये जो है एक पर्टिकुलर जानवर है अगले स्टेंज में हम देखते हैं दो टू डिस्टिंग बीस्ट ऑफ प्रे आर माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस मैरी स्माइल बट इफ दे बी दे आर क्रोकोडाइल्स तो इसमें क्या क्या आ गया दो टू डिस्टिंग बीस्ट ऑफ प्रे आर नोवाइस माइट नॉन प्लस इसमें हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में जो है अगर आप नॉन प्लस का मतलब होता है कन्फ्यूज़न नॉविस का मतलब होता है नौसिखिया जिसके बारे में जिसको किसी के बारे में किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं अधिक जानकारी नहीं है नौसिखिया अगर नौसिखिया कोई है अगर वो क्रोकोडाइल और हाइना के बीच में अंतर नहीं कर पाता है तो उसको ये समझना होगा कि हाइना जो है हमेशा एक अच्छा स्माइल देता है जबकि अगर वो रोता है उसके आँख से अगर आंसू निकलता है तो वो क्रोकोटाइल से ये भी एक बहुत ही बहुत ही अजीब तरीके का डेंजरस जो है तरीका है जानवर को पहचानने का तो उसके बाद नेक्स्ट टेंजर हम लोग चलते हैं लास्ट स्टेंजर है द ट्रू चेमेलियन इज स्मॉल सॉर्ट ऑफ थिंग हीजन एनी यर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री टीज़ द चमेलियन यू सी हम लोगों को मालूम है चमेलियन जो होते हैं वो अपना बॉडी कलर जो है चेंज कर सकते हैं जबकि लिजार्ट जो होता है वैसा नहीं कर सकता है। लेकिन ये लिजार्ट की तरह ही होता है तो आप समझ सकते हैं कि एक लिजार्ट ऐसा होगा चमेलियन जिसमें उसका कान नहीं होगा या फिर सिंगल uh, कोई विंग भी नहीं होगा और ऐसा अगर कुछ नहीं है तो आप समझ जाइए कि वो जो है छ मिलियन है वो लिजर्ड नहीं है इसलिए आप कन्फ्यूज मत होइएगा तो इस तरह से ये पॉइंट हमने डिस्कस किया बड़ा ही डेंजरस और फ़नी तरीका है पोइटिस का इसको डिस्कस करने का अब हम डिस्कस करते हैं कि इसका आपका राइम स्कीम क्या है तो राइम स्कीम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हर एक लाइन का लास्ट वर्ड को देखते हैं उसका साउंड क्या है जैसे कि हम लोग देख लेते हैं इसका है चांस उसके बाद है एस्ट उसके बाद एडवांस उसके बाद बिस्ट उसके बाद डाइन उसके बाद लाइन डाइन और लाइन जो है डाइंग एक्चुअली एक एक पॉइटिक डिवाइस के तहत इसको यूज़ किया गया है इसका स्पेलिंग थोड़ा आपको रॉन्ग लगेगा लेकिन इसको राइम करने के लिए यूज़ किया गया है तो क्या हम देखेंगे पहला है ए दूसरा हमको बी मिला तीसरा फिर हमको ए मिला फोर्थ हमको फिर बी मिला उसके बाद सी मिला फिर सी मिला यानी कि इसका राइम स्कीम क्या हो गया आपका ए बी ए बी ए उसके बाद बी उसके बाद सी सी यानी राइम स्कीम आप समझ गए ए बी ए बी सी सी ठीक है तो इसी तरह से आप अदर स्टेंजर्स का भी निकाल सकते हैं जैसे कि यहाँ आप लोग देख लीजिए यहाँ पर सारे स्टेंजर्स का आपका सेम राइम स्कीम मिलेगा जैसे राउंड यू ग्राउंड यू लर्न डिसन यानी ए बी ए बी सी सी यानी इस स्टेंजा का भी आपका राइम स्कीम हो गया ए बी ए बी सी सी ठीक है आशा करते हैं आप लोग समझ गए राइम स्कीम उसके बाद हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इसमें अगर कोई पॉइट्री डिवाइसेज़ यूज़ किया गया हो तो पॉइट्री डिवाइसेज़ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका आ, एलिट्रेशन भी आप लोग देख सकते हैं जिसमें जो से uh, जो वर्ड्स में सेम लेटर यूज़ करते हैं हम लोग ठीक है तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सर्च करते हैं कहाँ पर ऐसा कुछ वर्ड है जहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव uh, कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए गए हैं जिसका फर्स्ट लेटर जो है रिपीटेड है ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए यू यू आर एस यू और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाई और ये वाई जो है यूज़ किया गया है ये एलिट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप जो इस तरह से ढूंढ सकते हैं अगर आप देखिए कन्जर्व्यूटिव वर्ड में अगर एक लेटर जो उससे शुरुआत हो रहा है अगर वो रिपीटेड है तो वो आपका एलिट्रेशन होता है ठीक है इसमें आपका एक इन्वर्ट इन्वर्जन भी यूज़ हुआ है इन्वर्जन का मतलब होता है जब हम वर्ड को आगे पीछे करके यूज़ करते हैं जैसे यहाँ पर देखिए शुड गो बाय चांस इफ़ एवर यू यहाँ पर यू एवर होना चाहिए एवर यू है तो यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि आपको लगे कि वो अरेंजमेंट सही नहीं है उल्टा पुल्टा किए हुए हैं तो इसको हम लोग इंग्लिश में इनवर्जन बोलते हैं ठीक है तो आशा करते हैं आप लोग इस पॉइम को समझें इसका पॉटी डिवाइसेस को उसके बाद इसमें जो आपका राइम स्कीम है वो भी आप समझें अगर आपको ये पोएम वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए थैंक यू